हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आ गया है कोई नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम सिंपली ये बात करेंगे कि जो प्रो प्लेयर ड्रिल्स यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं और उनको ये प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होता है। ये जो ड्रिल आज बताने वाला हूँ वो हर एक प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं, वो इनकी फेवरेट भी होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, मैं आप सभी को दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे और मुझे ये भी पता है आप इस वाली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कि जो मेरा थंबनेल है वो एक मेरे दोस्त ने बनाया है। अगर आपको भी इसी तरह का थंबनेल बनाना सीखना है या तो आपको बनवाना है, तो आप उसके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप आते हैं हमारी फर्स्ट ड्रिल की तरफ। फर्स्ट ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको इस बोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे एक बार आपको मार्क कर लेना और आपको राइट आके फायर करना है। राइट आना है, स्कोप ओपन फायर। लेफ्ट आना है, स्कोप ओपन फायर। फिर आपको इसको एडवांस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट तो आना है और आपको पीक भी कर लेना साथ में। इसमें क्या करना है, राइट आना है, पीक ओपन फायर। लेफ्ट आना, पीक ओपन फायर। इससे आपका क्या होगा, आपकी जो पीक लेने की आदत है वो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल छोटी छोटी होती जाएगी, ताकि आपका बॉडी पार्ट बिल्कुल कम एक्सपोज हो। इस ड्रिल से ये होगा और आपका एम भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपकी टैपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, कि आप जैसे पीक पे भी जल्दी टैप कर दे रहे हो, स्कोप पे भी जल्दी टैप कर दे रहे हो, तो मतलब आपकी टैपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ करने के बाद आपको सेकेंड ड्रिल कर लेनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो इस बॉक्स में आ जाए। इसमें आने के बाद आपको अनक्राउच करना है, फिर स्कोप ओपन फायर, अनक्राउच, स्कोप ओपन फायर, अनक्राउच, स्कोप ओपन फायर। ये सब चीज़ करने के बाद आपको इसे एडवांस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनक्राउच के साथ पीक भी ओपन करना है। जैसे अभी मैं करूँगा अनक्राउच, पीक फायर, अनक्राउच, पीक फायर, अनक्राउच, पीक फायर। और इसमें गाइस मैं बताना चाहूँगा, आप अगर लेफ्ट पीक करते हो तो उसमें मत करना आप, ठीक है गाइस। अगर आपको लेफ्ट पीक करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर जो मैं आगे कुछ ड्रिल्स बताऊँगा, आप उसमें लेफ्ट पीक ना करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि लेफ्ट पीक करने से आपकी बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होती है, ठीक है गाइस। तो इस वाली ड्रिल में आप लेफ्ट पीक यूज़ कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब आगे वाली ड्रिल बताऊँगा उसमें बता दूँगा कौन सी ड्रिल है, उसमें आपको लेफ्ट पीक ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। आपको बस इसी तरह करना है, अनक्राउच, पीक फायर, अनक्राउच, पीक फायर। तो अब आ जाते हैं अब हमारी नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। नेक्स्ट ड्रिल से आपका बिल्कुल जो अब आपका एम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये वाली ड्रिल, आपको बस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको स्कोप ओपन करके इन सबको गिराने की कोशिश करनी है। आपको 40 बुलेट में इन सभी को गिरा देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आप इसको बिल्कुल इधर उधर करके ना मारे, ठीक है गाइस। तो आप इसको लाइन वाइज गिराएं बिल्कुल। कई बंदे क्या होते हैं, बस अपने स्कोप ओपन कर लिया और एम को अपना पूरा हिला दिया, जैसे अभी भी ये हिला रहे हैं। तो अभी इसको आपको ऐसा नहीं करना, आपको लाइन वाइज में गिराना, पहले एक, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ऐसे करके आपको 40 बुलेट में ये सारे गिराने हैं, ठीक है गाइस। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एनिमी स्पोर्ट करने की ये जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आपके सामने अगर चार एनिमी आ रहे हैं तो आप उसे भी आराम से मार सकते हो। तो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। नेक्स्ट ड्रिल करने के लिए आपको बस सिंपली यहाँ पे आ जाना है। इस वाले में आने के बाद आपको क्राउच में ही रहना है और सामने ये सोच लेना, सामने से कोई ही बंदा है, तो आपको बिल्कुल छोटा पीक दे के उसके मारने की ट्राई करनी है। आपको जितना छोटा पिक दोगे उतना कम बॉडी एक्सपोज होएगा, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसे करना है और यही वो वाली ड्रिल है गाइस, जिसमें मैं कह रहा था आपको लेफ्ट पिक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लेफ्ट पिक अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी बहुत ही ज़्यादा बॉडी पार्ट एक्सपोज होएगा और सिर्फ आपका जो चेस्ट से हेड तक का ही पार्ट बाहर निकलेगा और उसके एनिमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आपको बस ये लेफ्ट वाले पिक करने की बजाय आपको पूरा बॉडी ही बाहर निकाल लेना है गाइस, ठीक है गाइस। तो इससे आपका वही इंप्रूव होएगा कि आप छोटी छोटी पिक लेना सीख जाओगे और अपना बॉडी पार्ट बहुत ही कम यूज़ करना चाहोगे, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। नेक्स्ट ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, अनक्राउच में ही रहना और अपने स्कोप को ट्रांसफ़र करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये ध्यान रखना है, आप बिल्कुल एक एक
के ऊपर अलग अलग स्कोप ओपन करें कि ये ना करें आप एक में ही स्कोप ओपन कर लिया और इसी को ड्रैग करते जा रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। ठीक है गाइस, आपको एक के ऊपर क्रॉस एरिया लेके जाना है, स्कोप ओपन करना है, एक के ऊपर क्रॉस एरिया लेके गए, स्कोप ओपन करना है। आपको इसी तरह पूरा राइट में भी जाना है, फिर राइट से पूरा लेफ्ट आना है, ताकि आपका ये हो जाए कि आपको राइट में भी जा रहे हो तो भी ठीक हो रहा है और लेफ्ट में भी जा रहे हो तो भी ठीक हो रहा है। एक बार ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ब्रस्ट फायर करना है, बिल्कुल 3 या 4 गोली मारनी है। ठीक है गाइस, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एम है बिल्कुल बॉडी पे ना खुले, उसके हेड पे ही खुले। ठीक है गाइस, तो आपको बस अब ये कर लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा गोली मारना है सब में, और आपको यही ध्यान रखना है आप स्कोप को ड्रैग नहीं करना, आपको हर किसी के लिए अलग अलग स्कोप ओपन करना है, जैसे यहाँ पे अलग स्कोप, यहाँ पे अलग स्कोप। ठीक है गाइस, तो शुरू में आपको ये बिल्कुल धीरे धीरे होगा, आपको धीरे धीरे करना है, फिर आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो गाइस। ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो ये अभी मेरा तो फास्ट है, पर आपसे इतना फास्ट नहीं हो पाएगा शुरू में, आपको शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे करना है जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एक मारा, ये मारा, थोड़ा सा खोल खोल के ऐसे ही मारना है बस। आपको बस यही ट्रेनिंग ड्रिल में आके करना है, कम से कम आधे घंटे तक करना है, जिससे आपका गेम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आपकी मूवमेंट तो होगी ही होगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।